माइंड्स वाले वीडियो बनाने के इतना वहाँ पे मुलाकात हुई थी, उसके बाद सेकंड टाइम ये मुलाकात हुआ। तो भाई अभी डेहरी जाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अर्जेंट में ऐसा हुआ कि डेहरी जाना पड़ रहा है। तो भाई ये वाला जो सीन होता है ना, जब हम मोटो व्लॉग भी देखते हैं ना, किसी का भी मोटो व्लॉग देखते हैं, तो गाइस ये वाला व्यू देखिए आप लोग, इवनिंग के टाइम में काफ़ी मस्त लग रहा ना। और हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप के अच्छे होंगे। तो गाइस, पिछले वाले लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार और सपोर्ट दिखाया जो बराबर कैब गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए अपने भाई पे। तो अभी आप बाल देखते होंगे मुड़ा मुड़ा सा है, तो अभी टोपी लगाए हुए थे और लंच वगैरह हो चुका है। और अभी ऐसा सीन है कि आज जाने वाले हैं डेहरी, किसी काम से तो इमरजेंसी काम पड़ गया जिस कारण डेहरी जाना पड़ रहा है। फिलहाल अभी डेहरी ऑन से निकलना है, तो चलते हैं, पहले तैयार होते हैं, शर्ट वगैरह चेंज करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सबसे। और मौसम अभी काफ़ी बढ़िया हो चुका है, आपको दिखाते हैं। हाँ जी, आपका भाई बिल्कुल तैयार हो चुका है और अभी निकलेंगे घर से और जमा मस्जिद जाएंगे। जमा मस्जिद के पास शाहरुख अपना वेट कर रहा है, तो शाहरुख को रिसीव करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। तो अभी मौसम बढ़िया था, बादल के बाद था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं धूप भी निकल गया थोड़ी थोड़ी। तो चलते हैं और जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी भाई लोग, अभी हम औरंगाबाद से निकले और जसोईया पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले चुके हैं वहाँ से, और उसके बाद फिर अब जर्नी को स्टार्ट करेंगे। और साथ में आज हैं शाहरुख भाई, हैं शाहरुख है, तो साथ में जाएंगे। और इनका चैनल है मिस्टर यूट्यूबर, रोज वीडियो बनाते हैं। तो चलते हैं और जर्नी को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आप सबको राइड पे। तो चलते हैं जी और राइड को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी डेहरी वाले रोड में ना, लगभग हम एक से डेढ़ महीने के बाद जा रहे हैं इस रूट में। तो आप लोग जो लास्ट वाले वीडियो में सपोर्ट किया ना गाइज, अगर उसी तरह से आप लोग सपोर्ट और प्यार बरसाते रहेंगे ना अपने भाई को, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आप सबको अच्छे अच्छे ब्लॉग देते रहेंगे। तो भाई अभी डेहरी जाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अर्जेंट में ऐसा हुआ कि डेहरी जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे डाइवर्सन बन रहा है, जिस कारण यहाँ पे जाम लगा हुआ रहता है काफ़ी। और लगभग अभी यहाँ से 30 किलोमीटर का राइड है, तो देखते हैं कितना देर में हम लोग यहाँ से पहुँच पाते हैं। तो अभी डेहरी जाने का मतलब है कि एक पार्ट्स के लिए जा रहे हैं जो कि औरंगाबाद में नहीं मिल पा रहा था, तो उस कारण डेहरी जा रहे हैं। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, उम्मीद है कि मिल जाए, बट देखते हैं क्या होने वाला है। और डेहरी में एक रवि भाई भी रहते हैं, तो सोचे कि काफ़ी दिन के बाद आज उनसे भी मीटअप हो जाएगा। तो रवि भाई को कॉल कर चुके हैं, वो सासाराम में थे कॉलेज में, बट बोले कि 4 बजे तक पहुँच जाएँगे, तो जाते जाते हम लोग का भी टाइम हो ही जाएगा, तो मीटअप हो जाएगा, काफ़ी दिन भी हो चुका है। तो भाई ये वाला जो सीन होता है ना, जब हम मोटो व्लॉग भी देखते हैं ना, किसी का भी मोटो व्लॉग देखते हैं, तो और ये वाला जो सीन आता है ना, काफ़ी मज़ा आता है भाई देखने वालों। जी अभी हम बराबर कैब घूमने गए थे, तो उसमें एक चीज़ अच्छा लगा, जो अंकल हम लोग को गाइड कर रहे थे ना, उनके पास एक चाबी था और लोहे का गेट बना हुआ था, जिस कारण वो आप घूम लेंगे तो फिर वो लॉक कर दे रहे थे, जो काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि बहुत सारे जगह पे अगर आप जाते हो ना, तो बहुत सारे वहाँ पे लोग कुछ ना कुछ लिख देते हैं या फिर छेड़छाड़ करते हैं, जिस कारण वहाँ से खूबसूरती हट जाता है। लेकिन वहाँ पर जो पेंटिंग था ना, आप समझ सकते हो 2400-2500 साल पहले का जो पेंटिंग है वो अभी तक बचा हुआ था, तो ये चीज़ हमको काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ घूमने के बाद ऐसा, मतलब वो जो गुफा बनाया गया था ना, उसके अंदर आप अगर जाओगे तो बाहर का टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर कम रहेगा, बाहर में गर्मी है तो अंदर में ठंड होगा, आप सोच सकते हैं। और ऐसा रियलिटी में जब हम वहाँ पे गए थे ना, तो बाहर में टेम्परेचर कुछ ज़्यादा था, और जब अंदर में इन किया था तो टेम्परेचर काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। तो ये सब है अपने देश में हिस्टोरिकल पैलेस, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देख करके, तो घूमना चाहिए हिस्टोरिकल पैलेस पे। ये है ना गाइज कि अपने जो बिहार जो है ना, ये सब मामले में बहुत पीछे है। अब देखो कि जितना भी हिस्टोरिकल पैलेस है ना, उस पर मरम्मत नहीं होता है गवर्नमेंट के द्वारा, नहीं तो फिर हमको लगता है ना कि बिहार भी अपना जो है, बिहार में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल पैलेस है, बहुत सारे किले हैं। लेकिन तो फिलहाल अभी हम लोग बारून पहुंच चुके हैं, और यहाँ से लगता है 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 4 से 5 किलोमीटर का।
यहाँ पे सोन नदी होने के कारण आपको ट्रक ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बालू का जो सिंचाई होता है ना ज़्यादा होता है, जिस कारण यहाँ पे ट्रैक्टर और ट्रक आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो गाइस अभी जिस पुल पे हम लोग क्रॉस करने वाले हैं ना, वो गांधी सेतु के बाद मतलब सबसे बड़ा पुल में आता है बिहार में। तो गाइस आपको बता दें कि ये वाला जो पुल है ना, ये 99 पिलर से बनाया हुआ है और काफ़ी मतलब ओल्डेस्ट फ्लाईओवर में से एक है। तो हाँ जी, अभी हम डेहरी में हैं और जिस काम से आए थे वो काम हुआ नहीं, जिस सामान को खरीदने आए थे औरंगाबाद से डेहरी में वो सामान मिला नहीं। तो चलते हैं और रवि भाई से मिलते हैं, उसके बाद फिर रिटर्न हो जाएंगे अपने घर की तरफ। A few moments later. तो हाँ जी, फिलहाल रवि भाई से मुलाकात हो चुका और चाय नाश्ता भी हो गया और अभी मिलवाते हैं आपको रवि भाई से। तो गाइस भाई को पूरा सपोर्ट करो, चैनल में सब्सक्राइब करो और हमेशा ब्लॉग इनका देखते रहो, काफी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और इनका मोटो ब्लॉगिंग देख के भाई मेरा भी मन कर रहा है कि मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया जाए। सही लगता है, स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो रवि भाई जब ग्रेट माइंड्स वाले वीडियो बनाने गए थे ना, वहाँ पे मुलाकात हुई थी, उसके बाद सेकंड टाइम ये मुलाकात हुआ, तो काफी लंबा टाइम के बाद मुलाकात हुआ है। तो अराउंड 2 महीना तो हो गया। हाँ 2 महीना हो गया है। तो फिर गाइज मिलते हैं आप सबको, रिटर्न अब होते हैं और घर की तरफ, तो फिर मिलते हैं आपको राइड पे। तो हाँ जी भाई लोग, जिस काम से गए थे डेहरी लेकिन वो काम हुआ नहीं, लेकिन फिर रवि भाई से मुलाकात हो गया, काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किए हम लोगों ने, लगभग 30-40 मिनट हम लोग टाइम स्पेंड किए साथ में। अभी इवनिंग के लगभग कितना टाइम हो रहा है, 5:30 हो चुके हैं और अब हम रिटर्न अपने घर की तरफ हो रहे हैं। तो गाइस ये वाला व्यू देखिए आप लोग, इवनिंग के टाइम में काफ़ी मस्त लग रहा ना, और अभी यहाँ पे हाईवे बन रहा है जिस कारण ये वाला जो पुल है ना वो चालू हो गया है नया। वो वाला जो पुल हम लोग इधर से क्रॉस किए थे ना, उस वाले पुल पे काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम था, जिस कारण हम लोग को काफ़ी लेट हुआ, तो जिस कारण अभी टाइम भी कुछ ज़्यादा हो चुके 5:30, और अब यहाँ से सीधे निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो जी अभी इवनिंग का टाइम हो गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इससे पहले जो इधर से हम लोग जा रहे थे ना औरंगाबाद से जब जा रहे थे तो काफ़ी धूप था और सूरज जो है ना सामने से आ रहा था, तो उस वक्त का व्यू और अभी का व्यू आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा व्यू आप लोग को पसंद आया। हाँ जी, तो मिलते हैं अब आप सबसे औरंगाबाद में अपने घर के पास, तब तक के लिए मोटो व्लॉग को ऑफ करते हैं और मिलते हैं डायरेक्ट घर के पास।